हार के बाद बसपा की बैठक में मायावती का बड़ा फैसला। मायावती ने प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाए। जिला और विधानसभा प्रभारी को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग किया। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे गुड्डू जमाली। बसपा ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया। AIMIM छोड़कर फिर से बसपा में शामिल हुए। योगी 2.0 में शपथ लेने वाले 6 मंत्री बनेंगे विधान परिषद के मेंबर। JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी भी किसी सदन के मेंबर नहीं है। दानिश आजाद अंसारी भी नहीं है किसी भी सदन के मेंबर। गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली हुए शामिल, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से लिया हिस्सा। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, 5 सालों में यूपी में बेहतर हुई है एयर कनेक्टिविटी। गोरखनाथ से विश्वनाथ धाम पहुंचना अब और आसान हुआ। यूपी में पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा हुए। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की। राष्ट्रपति ने आश्रम परिसर में लगाया पौधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। विधायक बनने के बाद किशोर उपाध्याय पहली दफा मत्था टेकने पहुंचे भवानी मंदिर। चुनाव में जीत के बाद लिया आशीर्वाद। इस दौरान मंत्री बनने के सवाल पर किशोर उपाध्याय ने कहा, मंत्री बनना पार्टी का विशेषाधिकार। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी पहुंची शहीद स्मारक। विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा प्रदेश याद रखेगा। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भयंकर आग। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। एक मवेशी की भी मौत। आग लगने का वीडियो वायरल हुआ। मजनपुर तहसील के कायत के पुरवा का मामला। बिजनौर के स्वादेही इलाके में लाइव मर्डर का वीडियो सामने आया। जमीन विवाद में बदमाश ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोली। खेत में दिन दहाड़े हत्या की तस्वीर परिजनों ने मोबाइल में कैद की। बरेली के सैतल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सिपाहियों के साथ मारपीट। ट्रेन में 2 सिपाहियों को दबंगों ने बेल्ट से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। जीआरपी थाने में 2 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1421 नए केस दर्ज। एक दिन में 139 लोगों की कोरोना से जान गई, जबकि 1826 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4,30,19,453। बीते दिन देशभर में 6,20,251 कोरोना के सैंपल टेस्ट हुए। शनिवार तक 78,69,22,965 कोरोना सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। 24 घंटे में 29,90,658 लोगों को दी गई है कोविड की डोज। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 16,187। इस महामारी से अब तक 5,21,004 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक 4,24,82,262 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। इंदिरा नगर फायर स्टेशन से बुलाई गई दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। संभल के हैंडीक्राफ्ट फर्म के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। आग बुझाने में दमकल विभाग को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी दमकल विभाग की मदद की। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों का सामान आग बुझाकर राख हुआ। कानपुर देहात में ट्रैवल बस और ट्रोला में जोरदार भिड़ंत हुई। अनियंत्रित ट्रोला ने बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। कानपुर से रेफर किया गया। भोगनीपुर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते धुंधू कर जलने लगा ट्रक। ट्रक चालक और क्लीनर पूरी तरीके से सुरक्षित है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जालौन के सतो गांव में दबंगों ने मकान के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। महिला के पति के साथ मारपीट भी की। इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काटता रहा पीड़ित परिवार। मामला बढ़ता देख अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए।
बुलंदशहर में शादी के चार दिन बाद लुटेरी दुल्हन परिवार को चकमा देकर फरार हुई। मायके जाने का बहाना बनाकर ससुराल में रखे 50,000 कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर हुई फुर। पुलिस बिचौलियों और रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भदोही में पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 19 से दो ट्रकों में रखी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पकड़ी गई। मौके से 9 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। तार चोरी के मामले में वांछित चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर जख्मी किया गया। एक बदमाश फरार हुआ। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में डायरेक्टर पद की प्रक्रिया पूरी हुई। 27 डायरेक्टर हुए निर्वाचित। 29 मार्च को अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव एसएस संधू ने विकास खंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षल का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया। कल से शुरू होगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू। 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 3,043 परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में थे 20,660 परीक्षार्थी, जबकि इस बार है सिर्फ 17,617 परीक्षार्थी। टेहरी डैम की झील का जलस्तर कम होने से झील से सटे गांव में संक्रमक बीमारियों का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं प्रवीण कुमार ने पिथौरागढ़ वन प्रभाग का निरीक्षण किया। वन संरक्षक ने विभाग के कर्मचारियों और रेंज अधिकारियों से भी कार्यों की जानकारी ली। रामनगर में गन्ने के खेत में मिले गुलदार के दो शावक, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज का पूरा मामला। रुड़की पहुंचे खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने कार्यालय में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। कहा, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा रहूंगा समर्पित। क्षेत्र में जो काम 20 सालों में नहीं हुए वो 5 साल में हो जाएंगे। गाजीपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने सपा से बगावत की। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल को समर्थन देने का ऐलान। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से है नाराज। मुरादाबाद के शिवपुरी में नगर निगम की टीम ने सपा नेता के मकान को टैक्स जमा नहीं करने पर किया सील। मकान के अंदर सपा नेता की बेटी को बंद करने का आरोप है। सपा नेता बोले, हाउस टैक्स जमा करने के बावजूद किया जा रहा है परेशान। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि हिंसा में मारे गए मृतक परिवारों से मिलकर लौटा भाजपा प्रतिनिधिमंडल। सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम में बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी रहे शामिल। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। बड़ौत के मलकपुर गांव की वारदात है। आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई 2 टीमें। औरैया में चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों के साथ महिलाओं ने की अभद्रता। बिजली कर्मियों ने ग्रामीणों पर मारपीट और अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। बिजली विभाग के अधिकारी ने फफूंद थाने में ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया। सोनभद्र में हर साल 2 से 3 मीटर तक जलस्तर में कमी आ रही है। कई ब्लॉकों के जलस्तर में प्री पोस्ट मॉनसून में 2 से 3 मीटर की गिरावट सामने आई है। मुजफ्फरनगर में अवैध संपत्तियों पर चल रहा सरकारी बुलडोजर। काली नदी के पास 50 बीघा से भी ज्यादा की सरकारी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने हटवाया जमीन पर 3,000 पेड़ लगाने की तैयारी भी शुरू। मुजफ्फरनगर में शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस घटना से व्यापारियों में मचा हड़कंप। एटा के पत्रकार सुनील कुमार को बड़ी राहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार को दिलाई 2 लाख रुपए की अंतरिम राहत। फर्जी मुकदमे में पुलिस ने भेजा था जेल।
सहारनपुर के बैरामपुर गांव में सरकारी स्कूल का फर्नीचर बेच रहे प्रिंसिपल को ग्रामीणों ने पकड़ा। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का घेराव कर किया हंगामा। प्राइवेट स्कूल को 20,000 में फर्नीचर बेचने का आरोप लगा। रुद्रपुर के शांति विहार कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति के साथ किराए के मकान में रहती थी महिला। पति ड्यूटी पर गया हुआ था। मकान मालिक ने फोन कर इसकी जानकारी दी। पौड़ी में फायर सीजन को लेकर मुख्य वन संरक्षण में मीटिंग की। मीटिंग में वन विभाग के अलावा पर्यावरण प्रेमियों को भी बुलवाया गया। वनाग्नि से निपटने के लिए जनता से भी सहयोग मांगा गया। ताज महोत्सव में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हरिहरन ने मुक्त काशी मंच पर दी प्रस्तुति। सिंगर हरिहरन को सुनने के लिए दर्शकों में दिखा खासा उत्साह। हरिहरन ने जैसे ही सुरों का साज छेड़ा तो दर्शकों की तालियां गूंज उठी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, दुनिया में भारत में बनी चीजों की बड़ी डिमांड। लोकल को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। मन की बात कार्यक्रम के 87वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने बताया बीते हफ्ते हमने 30 लाख करोड़ निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। इस उपलब्धि ने हम सबको गर्व से भर दिया है। पीएम ने की मन की बात में पानी के संरक्षण को लेकर पीएम ने अपनी बात रखी और लोगों से भी अपील की कि पानी के संरक्षण के लिए उनको भी आगे आकर कदम उठाने चाहिए। कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं, पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा शिवानंद का भी आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिक्र किया। कहा उनके जोश और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान था। उनका स्वास्थ्य देश में चर्चा का विषय है। पीएम मोदी ने बच्चों से जल संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की और कहा कि स्वच्छता अभियान से जुड़कर जैसे बच्चों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक उसी तरह जल संरक्षण अभियान से जुड़कर बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी बोले 7 अप्रैल को मनाएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या फिर आयुर्वेद, इससे प्रति बढ़ता जा रहा है रुझान। आयुष इंडस्ट्रीज का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। गोवा में कल प्रमोद सावंत ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रमोद सावंत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। कहा दुनिया को उदार लोकतंत्र के लिए क्रूर और निरंकुश शासक नहीं चाहिए। भगवान के लिए यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता, रूस बोला। राष्ट्रपति को जनता ने चुना है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 32वें दिन भी लगातार जारी। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों में कर रहा है भारी बमबारी। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी लोगों के भीतर अपने लिए घृणा का बीज बो रहा है रूस। 6 दिन में 5वीं दफा बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 50 और डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। नई कीमत लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.42 रुपए प्रति लीटर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। फतेहाबाद रोड पर रफ्तार का कहर, जहां 2 कारों की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 1 शख्स की जान भी चली गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 कारों की जोरदार टक्कर, जिसमें कि एक युवक की जान चली गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। करीब 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। बहरहाल बड़ा हादसा जिसमें एक युवक की जान चली गई है। इसके अलावा जो घायल व्यक्ति हैं, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगरा फतेहाबाद रोड में रफ्तार का कहर, रोड पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। 2 कारों में जोरदार टक्कर, जिसमें कहा जा रहा है कि एक की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी है, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया।